नमस्कार बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत है। हम दुष्यंत कुमार पढ़ रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम की पांचवी गजल। आज जो हम गजल पढ़ने जा रहे हैं ये गजल 1975 में इमरजेंसी के समय लिखी हुई है, जबकि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं, तब से मरम्मत के लिए ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यों कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशन दान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। इस कदर पाबंदी है मजहब की सदके आपके, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा कटाक्ष कवि इसमें कर रहा है। वो कहता है एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। यहाँ पे गुड़िया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने प्रयोग किया है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान। कठपुतली कौन होती है, कठपुतली की क्या पहचान है? जैसे कि उसे नचाने वाला जो होता है वो अपनी उंगलियों पर नचाता है। तो कभी कहता है कि कई कठपुतलियाँ, उस समय बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे थे, बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, जो कि जिन पर जिनके कहा यह जाता था कि शासन नाम से तो प्रधानमंत्री का हो रहा है लेकिन उसको संचालित कोई दूसरे लोग ही कर रहे हैं। तो कभी कहता है कि एक गुड़िया और उसकी कई कठपुतलियों में जान है, माने बहुत सारे लोग उसे संचालित कर रहे हैं। आज शायर, माने आज साहित्य या साहित्यकार या शायर कवि को कहते हैं, ये देखकर हैरान है कि किस तरह से जिसे सत्ता संभालनी चाहिए या जो सत्ता का असली संचालक होना चाहिए, उसने अपनी सत्ता को कैसे दूसरे लोगों के हाथ में सौंप रखा है। खास सड़कें बंद हैं, तब से मरम्मत के लिए ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। क्या होता था कि इसको दो तरह से समझिए। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा रास्ता, ऐसी सड़क जो कि बहुत ही व्यस्त है या जो कि बहुत महत्वपूर्ण जगहों तक ले जाती है, उसे बंद कर दिया जाए ये कहने के लिए, ये कहकर कि इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। आपने आजकल भी कई बार देखा होगा कि कई जगह बोर्ड लगा देते हैं कि काम जारी है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, इस तरह से। तो कवि ने का कहना यहाँ पर यह है कि खास सड़कें बंद हैं, माने खास वो रास्ते, खास वो तरीके, उन पर पाबंदी है, उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है, ये कहकर कि यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। अभिप्राय यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है या जिनके माध्यम से सही उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, उन तक पहुँचने के मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए हैं। और यही इस वक्त की, माने तत्कालीन जो समाज था या तत्कालीन जो हिंदुस्तान था, उसकी पहचान। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशन दान है। एक अंधेरी कोठरी में एक छोटा सा रोशन दान, जिससे कि सूर्य की किरण या प्रकाश अंदर आता है। तो कभी कहता है कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, एक ही व्यक्ति ऐसा है, एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसा है जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि वो उस रोशनदान की तरह है जो कि किसी अंधेरे कमरे में, अंधेरी कोठरी में थोड़ी बहुत रोशनी की किरण लेकर आता है। मसलहत आमेज होते हो सकता है कि ये बूढ़े आदमी की तरफ जो इशारा है वो जयप्रकाश नारायण की तरफ हो। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत मतलब हितकारी सलाह, आपके कल्याण के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए दी जाने वाली सलाह। आमेज मतलब गजब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे। तो कवि कहता है कि सियासत माने राजनीति में जो कदम उठाए जाते हैं वो बहुत हितकारी और बहुत ही अद्भुत हुआ करते हैं, देखने में वो बहुत ही अद्भुत और बहुत कल्याणकारी लगते हैं।
तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। तो हे आम हिंदुस्तानी, तुझे नहीं पता ये जो तुझे इतने लुभावने, इतने हितकारी, इतने कल्याणकारी जो कदम दिख रहे हैं, जो योजनाएं दिखती हैं या जो वादे किए जाते हैं, तो उससे ये कितने किस कदर अद्भुत और हितकारी लगते हैं, कितने लुभावने लगते हैं। ये सियासत मानी ये राजनीति के दाव पेच हैं। इन दाव पेचों को तू अभी समझ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तू इंसान है। माने इंसान होने की पहचान है ईमानदारी, इंसान होने की पहचान है सच्चाई। तो क्योंकि अभी तक तू इंसानी बना हुआ है, अभी तक तू मानवीय गुणों से ओतप्रोत है, इसलिए तुझे सियासत समझ में नहीं आएगी। सियासत समझने के लिए इंसान के जो मूलभूत गुण है उनसे अलग हटना जरूरी होता है, ऐसा इन पंक्तियों में कवि का कहना है। इस कदर पाबंदी है मजहब के सदके आपके, जब से आजादी मिली है मुल्क में रमजान है। रमजान के महीने में क्या होता है? रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। रोजे मतलब जब आप कुछ खाते पीते नहीं है, आप भूखे प्यासे रहते हैं। तो कवि कहता है इस कदर पाबंदी है मजहब की सब सदके आपके, कि आपने इस तरह के इसको भी दो अर्थों पे, दो स्तरों पे आप समझिए इस शेर को भी, कि पाबंदी है मजहब, धर्म की पाबंदी इस कदर है कि हम आपके सदके माने आप पर न्योछावर हैं। ये हुक्मरानों को कवि कह रहा है, ये शासकों के प्रति कवि का की अभिव्यक्ति है कि आपने जिस तरह का धर्म इस देश में चला रखा है, आपके इस धर्म को, धर्म मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म से अभिप्राय नहीं है, यहाँ पर राजनीति के धर्म से अभिप्राय है, कि जिस तरह का धर्म आपने प्रचलित कर रखा है उसके लिए तो हम आप पर कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब से आज़ादी मिली है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से देश में रमजान चल रहा है, माने तब से लोगों को कुछ भी तो नहीं मिला है। कल नुमाइश में मिला, ये जो कुछ शेर ऐसे हैं, जैसे सबसे पहला एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, या एक ये इस कदर पाबंदी मजहब की सदके आपकी, और खास सड़कें बंद हैं ये। इसके बाद अब जो मैं अगला शेर पढ़ रही हूँ, ये अक्सर आपके परीक्षा में व्याख्या के लिए भी आते हैं, और ये वो शेर है जो उस समय आम हिंदुस्तानी के जुबान पे हुआ करते थे, नारों की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। कवि कहता है कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, नुमाइश माने जो आजकल आप देखते हो ना ये मेले जो लगते हैं, अब तो इन दिनों तो पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण नहीं लग रहे ये, जो कभी किसी मैदान में कभी कहीं पर ट्रेड फेयर जिन्हें कहते हैं, जो औद्योगिक मेले कहते हैं ना, नुमाइश उर्दू का शब्द है। तो कवि कहता है कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े, चीथड़े मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम हिंदुस्तान बताया। बहुत बड़ा व्यंग है कि आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसे हम ये कह सकें कि हमारी उपलब्धि है। आज भी हिंदुस्तान वही चीथड़े लिपटे हुए है, चीथड़ों में लिपटा हुआ है, माने आज भी हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जो आम हिंदुस्तानी है, वो आज भी कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहा। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल फटे पुराने कपड़ों में मुझे एक व्यक्ति मिला, जब मैंने उससे पूछा उसका नाम, तो उसने अपना नाम हिंदुस्तान बताया, भारत बताया। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। वो कभी कहता है कि मैं तो करोड़ों लोगों की जुबान हूँ। भारत में 130 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, 50 करोड़ हो गई होगी, 70-75 तक आते आते। तो कभी कहता है करोड़ों लोगों की निगाहें मुझ पर लगी हुई हैं, या चूंकि मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभिव्यक्त करने का हुनर है, तो मैं चुप नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि करोड़ों ऐसे हिंदुस्तानी जिनको की अभिव्यक्ति नहीं आती, जो अपना दुख प्रकट नहीं कर सकते, मैं सबका उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। अब हर गजल मेरी, मैं जो भी अशआर कह रहा हूँ, जो भी गजल कह रहा हूँ, जो भी कविता लिख रहा हूँ, वो हर एक कविता सल्तनत माने हुक्म के, शासन के नाम एक बयान है। बयान कहाँ दिया जाता है? कचहरी में दिया जाता है, जिसके बल पर न्याय का फैसला या किसी भी केस का फैसला होता है। तो कवि कहता है कि मेरी हर कविता जो है वो एक बयान है जो मैं सल्तनत के लिए दे रहा हूँ।
धन्यवाद।